नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से, NCERT एंड CBSE रिक्रूटमेंट 2022। हां जी दोस्तों, NCERT और CBSE दोनों केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं और बड़ी रिक्रूटमेंट 2000 से भी ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट दोनों का कंबाइन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आगे तक जरूर से जरूर देखिए और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम के माध्यम से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और इस बड़ी न्यूज को देख लेते हैं बिल्कुल विस्तार से, जो कि आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है। ये देखिए दोस्तों, न्यूज है कुछ इस प्रकार से, NCERT CBSE में खाली पद भरने के निर्देश दोस्तों निर्देश दे दिए गए हैं। NCERT और CBSE में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने की कवायद जल्द शुरू होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने के लिए इन पदों को भरने की जरूरत संसदीय पैनल ने बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक NCERT और CBSE को मिलाकर करीब 2652 पद खाली हैं। ये रिक्तियां 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के मुताबिक हैं। संसदीय समिति ने इन पदों को समयबद्ध तरीके से भरने को कहा है, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में कोई दिक्कत न हो। समिति ने NCERT में बड़ी संख्या में रिक्तियों पर चिंता व्यक्त की है। समिति ने कहा है कि इन संस्थानों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में अहम भूमिका है, बैकलॉग समयबद्ध तरीके से खत्म करें। NCERT में स्वीकृत पद कितने हैं? 2833। NCERT में कुल स्वीकृत पद 2833 है। अभी मौजूदा कार्यबल 1128 के आसपास है। करीब 1705 पद रिक्त पड़े हैं। हां जी दोस्तों, और CBSE में 1833 स्वीकृत पद हैं। CBSE में स्वीकृत पद 1833 है। इस समय मौजूदा कार्यबल 886 है, जबकि खाली पद 947 है। ग्रुप ए में 142, ग्रुप बी में 132 और ग्रुप सी में 673 रिक्तियां हैं। तो ये है दोस्तों बड़ी अपडेट, जल्द ही हमें ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। जैसे ही इससे जुड़ी हुई नई अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए कर लें आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।